अजुन सेकेन्ड टाइम फेरि फर्केर नेपाल आउनुभएको छ एउटा टुर्नामेन्ट खेल्नको लागि होइन, कस्तो भइरहेछ सेकेन्ड टाइम चाहिँ एउटा राम्रो टुर्नामेन्टकै लागि आफूलाई बोलाउँदाखेरि? बढिया लग रहा है यहाँ पर। मेयर कप में पहले मैच में तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, 8 रन पे आउट हो गया था, फिर अगले 2 मैच में एक्स्ट्रा बैठा हूँ, ठीक लग रहा है। वैसे संदीप भी खेल रहे हमारे हमारे टीम से, ये वो बढ़िया लग रहा है, कैप्टनसी भी अच्छी कर रहे हैं। इन्वायरमेंट कस्तो छ मेयर 11 को टीम में? एनवायरमेंट बढ़िया है, सारे अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर, संदीप भी है, विवेक भी है, सब। के सीक्ने मौका मिलिरहेको छ त यो सेकेन्ड टुर्नामेन्ट, आफ्नो सेकेन्ड टुर्नामेन्टमा सीखने सही संदीप भैया से सीखने को मिला है कि वो फील्ड पे अच्छे कैप्टनसी देख रहे हो। तपाईं अनि इन्डियामा चाहिँ कति घन्टा चाहिँ क्रिकेट खेल्नुहुन्छ? इन्डियामा सुबह शाम प्र्याक्टिस गर्छु, सुबह अभी जैसे नेपाल टीम के कैंप के बाद उसके बाद फिर सुबह शाम प्र्याक्टिस करी, पेपर भी मैंने नहीं दिया, क्लास भी नहीं लिया, ऑनलाइन क्लास, सुबह शाम प्र्याक्टिस। बिहानदेखि बेलुकासम्मको सेड्युल भनिदिनु न एक्चुअली, पढ्ने क्रिकेट खेल्ने के गर्नुहुन्छ इन्डियामा? सुबह कभी कभी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, नहीं तो वैसे दोपहर या सुबह दोनों टाइम में वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे सुबह सुबह शाम प्रैक्टिस, और वेडनेसडे को शाम को। उता प्र्याक्टिस गर्दा र यता यहाँ टुर्नामेन्ट खेल्दाखेरि होइन, कस्तो डिफ्रेन्स के छ, के अलिकति फरक पत्ता लाउनु भएको छ? वहाँ पे बॉलर अच्छे आते हैं, वहाँ पे सीखने को सही सिखाते हैं, वहाँ पर कोच उच सब अच्छे हैं वहाँ पर, और यहाँ पर मैच खेलने आता हूँ। यहाँ अलिकति कम्पिटिटिभ टुर्नामेन्ट खेल्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ होइन, ओपनिङमा आउनुहुन्छ होइन, फास्ट बलरहरू पनि आउँछन्, एकदम राम्रो फास्ट बलरहरू पनि हुन्छन् होइन टुर्नामेन्टमा चाहिँ। तपाईँको गेम चाहिँ अलि एकदमै आनन्द लिएर धेरै टाइम लिएर क्रिजमा बसेर टिकेर ब्याटिङ गर्नुहुन्छ होइन, के सोचेर आफ्नो दिमागमा चाहिँ के चलिरहेको हुन्छ खास त्यतिखेर? सुरुमा पहिले म्याचमा जब ब्याटिङ ओपन गएको थियो तो फिर सुरुमा विकेट थोडा अनइभन विकेट था, मुश्किल था खेलना, शुरू में रोक के खेल रहा था, तब शुरू में रोक के खेलता हूँ हमेशा, अनि बाद में जब जो बॉल लूज बॉल होता लूज बॉल आता उस पर मारता हूँ। यहाँ कोचहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईलाई तपाईको ब्याटिङ स्टाइललाई लिएर? यही बस मिस्टेक है बस ब्याटिङ में कि पैर नहीं जाता ये वो, और फिल्डिंग और फिटनेस में थोड़ा ध्यान दें इसमें बोलते। तपाईको इन्डियामा चाहिँ कसरी पुग्नुभयो र के गर्नुभयो, फ्यामिली को बारेमा अलिकति भनिदिनु। इन्डियामा मम्मी पापा मैं बचपन से मैं वहीं पे रहता हूँ, मम्मी पापा इधर नेपाल में घर है, गुलमी में रहते हैं, पापा गुलमी के और मम्मी अर्घाची, तभी यहाँ से खेलता हूँ मैं। त्यहाँ चाहिँ अनि सानोदेखि नै क्रिकेट खेल्न थाल्नु भयो कि कति समय भयो क्रिकेट खेल्न थालेको इन्डियामा चाहिँ? सुरुमै पापा ने बहुत सपोर्ट गरे, घर पे सबने सपोर्ट करा, मम्मी पापा ने सुरुमै पापा मेरे को सुबह सुबह पार्क होता है ना उस पर लेके जाते खेलते, फिर बाद में छः साल में मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता था, अकेडमी में ज्वाइन कर गया था वहाँ पर, इसलिए हो गए मेरे को 8-9 साल। उता पोखरामा पोखराबाट यहाँ नेसनल टुर्नामेन्ट खेल्नुहुन्छ होइन, पोखरामा अब क्रिकेट त्यो लेभलमा एकदमै ठुलो स्तरमा डेभलप भएको छैन अहिलेसम्म होइन, कस्तो महसुस हुन्छ पोखराबाट मात्रै खेल्दाखेरि? बढिया महसुस हो रहा है वहाँ पर, जिम्मी दाई और रिजन दाई सपोर्ट करते हैं मेरे को, और राजेश मामा पोखरा के सब सपोर्ट करते हैं वहाँ से। यहाँ अब नेपालमा यहाँ अब तपाईँलाई 2-3 चोटि नै धेरै मान्छेहरूले ऊ भाइ राम्रो ब्याटिङ गर्छ भनेर भनिराख्दाखेरि होइन, आफूले चाहिँ के सोच्नु भएको छ नेपालको लागि खेल्ने अथवा अब अगाडि यसरी खेल्नुपर्छ के छ दिमागमा? अब आगे अभी नेपाल से खेल्ने हैं, अभी प्राय जितने भी टूर्नामेंट आएंगे रन बनाने उसमें, तब जाके आगे होएगा नेपाल टीम से। त
तपाईँलाई फास्ट बलिङ राम्ररी खेल्न मजा लाग्छ कि स्पिन बलिङ? फास्ट बलिङ किन रमाइलो लाग्छ खेल्नको लागि? सुरुमै ओपन जातो तो नयाँ बल आता है इसलिए बैट पे लगता है इसलिए सुरुमै सारे ऊपर होते हैं फिल्डर 30 yard के अंदर तब यो तपाईँको अब अन्डर 16 पनि खेल्नुभयो क्या अरे यहाँ एकचोटि होइन अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री कप एउटा खेल्नुभयो क्या अरे होइन अनि अब अहिले मेयर कप खेल्नु भएको छ होइन प्रधानमन्त्री कप र मेयर कपमा चाहिँ अब मेयर कप त एउटा मात्र म्याच खेल्नुभयो प्रधानमन्त्री कपमा सबै म्याचहरू खेल्नुभयो पोखराको लागि होइन कुनै पनि म्याचमा एकदमै ठुलो स्कोरमा जान सक्नु भएन होइन किन अलिकति जान गाह्रो परेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पिएम कपमा यही कि म 30 या 40 पे आउट हो रहा हूँ जल्दी कर रहा हूँ मैं इसलिए तभी गलती हो रहा था वहाँ पर इसलिए कसरी बिल्ड गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ अब आफ्नो इनिङलाई चाहिँ यदि 30 रन बनाइसकेको छु भनेदेखि चाहिँ मेरो को स्लो खेल्न था सिंगल लेवल तब जाके थोड़ा ऊपर रन बनते 50-60 रन बनते तब तो फिर तब मैं रन बनाता फिर आगे लगा के चलता है यहाँ आउँदाखेरि आफूलाई ल अर्जुन यु हेभ बिन कल्ड फर दिस टुर्नामेन्ट भनेर भन्दाखेरि तपाईँ उतै हुँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? बढिया जब नेपाल टिमको क्याम्पमा आएर तो बढिया यहाँनिर सबै सिनियर कङ्ग्रेट्स बोला था वहाँ पर जितने भी वहाँ पे प्र्याक्टिस गर्दा वहाँ पर दिल्ली सबने कङ्ग्रेट्स बोला था ये घरमा मम्मी ड्याडीलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ छोरालाई यता नेपालमा खेल्न बोलाएको छ भनेर भन्दा घर पे सब सपोर्ट गर्थे वहाँ पर जितने भी मेरी फ्यामिली है सब अभी भी मम्मी यहीँ आ रखी है काठमाडौँमै है कलङ्की सपोर्ट गर्थे हमेसा के भन्नुहुन्छ नेपालको लागि खेल भनेर भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? नेपाल चाहिँ खेल कस्तो फ्यामिलीमा चाहिँ माहौल चाहिँ कस्तो छ त तिम्रो तपाईँको क्रिकेटलाई लिएर चाहिँ सब बढिया है यही कि नेपाल से नेपालको लागि खेल्न है यही हो बोलते यहाँ अब दुईवटा म्याच भयो बेन्चमा बस्नुभयो होइन फर्स्ट म्याच 8 रन हान्नुभयो क्या अरे कतिको आफूलाई चाहिँ ल ब्याटिङ गर्न पाइएन दुईवटा गेममा भन्दाखेरि कस्तो कतिको नराम्रो लागेछ? यही कोही वो तो कोच के हाथ में अब 8 रन पहले मैच में स्कोर नहीं हुआ 8 रन पे आउट हो गया था और एंकल भी ट्विस्ट हो गया था मेरा इंजरी हो गई थी इसलिए अब अगाडि चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ त यो मेयर कप सकियो होइन तपाईँलाई के गर्न मन छ त अब यो क्रिकेट नेपालकै क्रिकेटलाई लिएर के सोच्नुहुन्छ? अब इसके बाद अब शायद MM कप आएगा उसमें अगर टूर्नामेंट होता तो रन बनाना इसमें फिर 19 आएगा उसमें जितने भी टूर्नामेंट आएंगे जितने भी 19 जितने उसमें रन बनाना है बस जितने भी टूर्नामेंट में रन बनाते जाऊँगा अपने आप नाम आ जाएगा मेरा नेपाल में। नेपाल को क्रिकेट को बारे में एकदम राम्ररी कहिले थाहा भयो के थाहा भयो नेपालको क्रिकेटको बारेमा? वो वहाँ पे दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरे कोच हैं वो भी नेपाल से खेलते थे वो जो गंडकी प्रदेश राहुल शर्मा उन्होंने 50 बनाई थी कर उन्होंने फिर बताया कि पोखरा पे जाके ट्रायल दे अंडर 16 का मैंने ट्रायल दिया वहाँ पे 16 में तो फिर तब जाके पता चला कि नेपाल में नेपालले 2014 विश्व कप खेला थे 2020 वर्ल्ड कप खेला थे के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? तब मेरे को पता नहीं था 2014 त्यतिखेर नेपाल क्रिकेट खेल्छ भन्ने नि थाहा थिएन दिमागमा अब चाहिँ यत्रो लामो समय भइसक्दाखेरि चाहिँ होइन अब चाहिँ के चल्छ त दिमागमा नेपालको क्रिकेटलाई लिएर चाहिँ? अब यही कि अब आगे खेल्न नेपाल टिम से अब यही कि यही चल्छ एक राउन्ड चाहिँ डेभ वाटमोरसँग पनि बसेर ट्रेनिङ पनि लिनुभयो होइन डेभ वाटमोरले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो टिपहरू दिनुभयो के भन्नुभयो तपाईँलाई? यही कि बस थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देना है और बैटिंग में थोड़ा क्विक रहना है हमेशा यही बस और मेरा बैटिंग करते हुए पैर नहीं जाता बॉल के लाइन में बस भाई सीनियर प्लेयर को अलसम मजा कुरा गर्नु भएको छ नेपालको अभी संदीप भी है सब हर जितने भी कैंप में सबसे बात कर लेते सबैजनाले चाहिँ तपाईँलाई के भनेर बोलाउनु हुन्छ त? ए अर्जुन अर्जुन कुमार
कस्तो रमाइलो हुन्छ कि हुँदैन त टिममा सबै सिनियर छन् आउँछन् जगत गुरुले चाहिँ के भन्नुभयो ब्याटिङमा टिप दिइरहनु भएको थियो होइन उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो त भाइ मेरा बस एक ही गल्ती है कि मैं मेरा बॉल के लाइन में आउट स्विंग बोला था उसमें बस मेरा पैर नहीं जाता यही बस छोटे पैर से खेलता हूँ ओके अब यो मेयर कप सकिन्छ हैन त्यसपछि के गर्नुहुन्छ मेयर कप के बाद पोखरा जाऊँगा शायद पोखरा गएर के गर्नुहुन्छ पोखरा में मैच है त्यहाँ पनि खेल्नुहुन्छ हैन अब सकेसम्म बढी यहाँ टाइम स्पेन्ड गर्ने प्लान बनाउनु भएको छ नेपालमै हजुर बाहिर उता हुँदाखेरि र यहाँ हुँदाखेरिको क्रिकेटमा चाहिँ अब मलाई थाहा छैन अहिले नेपालमा के भइरहेछ भन्ने सिचुएसन हुन्छ नि त होइन त्यो सिचुएसनमा चाहिँ कतिको आफूलाई एकदमै ओहो नेपालमा गएर अहिले खेलिराख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ तपाईँलाई कतिको ट्रेनिङ कतिको हेल्पफुल भएको छ इन्डियाको ट्रेनिङको ट्रेनिङले यहाँ इन्डियामा ट्रेनिङ गर्दा हुँ मैं रोज की बैटिंग 250 बॉलें खेलता हूँ फिर आधा घंटा नेट में बैटिंग करता हूँ तब जब तभी मैच में काम आता है।